इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 26 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ, जिसकी स्पीड होगी 60 शब्द प्रति मिनट। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगी। यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है ये। आप लोगों की किसी कारणवश अगर स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियाँ अधिक आ रही हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, गलतियों को कम करना चाहते हैं, अच्छे से आउटलाइन लिखना चाहते हैं, तो आज ही हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासें आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएगी। यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो 1 बुक आपको फ्री दी जाएगी। चाहे आप अभी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हो या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे यहाँ क्लासों की व्यवस्था है। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो को लिखने में आपको कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी आपकी बुक मिल जाएंगी और इनकी हिंदी की बुक भी आपको मिल जाएंगी। कोर्ट से संबंधित डिक्टेशन की आवश्यकता हो तो डिक्टेशन भी आपको मिल जाएगी और कोर्ट से संबंधित आउटलाइन की बुक भी आपको मिल जाएगी। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बुकों को खरीदना है और कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। सभापति महोदय, खेती के बाद उद्योग का हमारे देश के आर्थिक जीवन में बड़ा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता के बाद देश में बड़े बड़े और मौलिक उद्योग धंधे खड़े किए गए हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता थी। उस दिशा में अच्छा प्रयास किया गया है और उसमें बड़ी सफलता भी मिली है, लेकिन जहां बड़े बड़े उद्योग धंधे खड़े हुए, वहां छोटे छोटे उद्योग की, विशेष रूप से उन उद्योग धंधों की जो देश में परंपरा से चले आ रहे थे, बड़ी उपेक्षा हुई। बहुत से उद्योग धंधे अपने पुराने ढंग से चले आ रहे हैं, उनमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, उनका कोई विकास नहीं हो सकता है। देश की स्थिति को देखते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से नए उद्योग धंधे खड़े किए जा सकते हैं, इस बारे में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। पैराचेंज। बहुत से उद्योग धंधे ऐसे हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था, लेकिन प्रोत्साहन देना तो दूर रहा, ऐसी नीति अपनाई गई कि उनके काम में बाधा पैदा हुई और उनमें बहुत से टूट गए। इसका परिणाम यह हुआ कि
एक तरफ तो हमने दिखाने के लिए बड़े बड़े कल कारखाने खड़े किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेकारों की संख्या बढ़ती गई है। आज यह समस्या एक भीषण रूप में हमारे सामने आई है। यदि हम छोटे छोटे उद्योग धंधों को विशेष रूप से कृषि से संबंधित उद्योग धंधों को बड़े बड़े शहरों में नहीं, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं फैलाते हैं, तो इसके दो दुष्परिणाम होंगे। एक तो उद्योगों का केंद्रीकरण होगा, दूसरे शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी, जिससे अनेक जटिल समस्याएं पैदा होंगी। इससे हर एक आदमी को काम नहीं मिलेगा और हमारे जो पुराने उद्योग धंधे जीवन से संबंधित सामग्रियां तैयार करते हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सरकार की ऐसी नीति रही है कि उनमें से बहुत से उद्योग धंधे समाप्त होते जा रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि इस उद्योग में लगे हुए आदमी बेकार हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार ऐसे उद्योग धंधों को अधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करें। इस प्रयत्न के लिए हम इस मौके पर सरकार का समर्थन देशभक्ति की भावनाओं से करते हैं। फुल स्टॉप। तो दोस्तों, ये थी 60 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है और कैसे ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।